सिनेमा की एक ऐसी प्रतिभाशाली अदाकारा जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी और लोकप्रियता हासिल की। ऐसी अदाकारा जिनकी सादगी, खूबसूरती और भोलापन को दर्शकों ने खूब पसंद किया और कामयाब बनाया। ये उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं जिनके बिना उस दौर की फिल्में अधूरी लगती थीं। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात आती है तो लोग इनको याद करना नहीं भूलते हैं। जीने से तुम जो लगा के रखो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक की इस अभिनेत्री को कई सफल फिल्में देने के बावजूद कभी हीरोइन का दर्जा नहीं मिल पाया। प्लीज कुछ कीजिए, मैं सचमुच बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरी जिंदगी में अंधेरा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण की फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन वो पहचान हासिल नहीं कर सकी जिसकी वो हकदार थी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। आज हम बात करेंगे 70 के दशक की हीरोइन राधा सलूजा के बारे में, जो बरसों तक फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उनकी कोई निजी पहचान नहीं बन पाई। उनका फिल्मी सफर साल 1967 से शुरू होकर साल 2003 तक चला। उन्होंने हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग 4 दर्जन फिल्मों में काम किया जिनमें हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्में शामिल हैं। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये फिल्मों में टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई? राधा सलूजा का जन्म 11 नवंबर 1954 को दिल्ली के एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। परिवार फिल्म जगत से ताल्लुक रखता था, लिहाजा इनका झुकाव भी बचपन से ही फिल्मों की तरफ होता गया। इनके भाई एचएल सलूजा एक्टर और फिल्मकार थे। एचएल सलूजा को साल 1986 में बनी फिल्म खामोश, 1989 में बनी परिंदा और साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के निर्माण में सहयोग के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म परिंदा में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। हेलो, किशन है, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। एक मिनट किशन भाई, आपके भाई का फोन है। राधा सलूजा का बचपन में नाम रीता था, जिसको फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया था। इन्होंने अपने शुरुआती दौर की 2 फिल्मों में अपने असली नाम से भी काम किया था। उनमें से पहली फिल्म रही साल 1967 में आई मोहब्बत और जंग और दूसरी फिल्म 1969 में रिलीज हुई राखी थी। आप मारिया, हम तन्हाई चाहते हैं। राधा सलूजा का सपना टॉप की हीरोइन बनने का था, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। इसके बावजूद इन्होंने अपनी बेहतरीन छाप सिनेमा जगत पर छोड़ी। राधा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की पूर्व छात्रा भी रही हैं। राधा ने फिल्म 2 राह से इंडस्ट्री में अपनी पहचान स्थापित की। मेरी बगिया के करे तो सदा ही खिलना। 1971 में आई फिल्म लाखों में एक, जिसका एक मशहूर गाना चंदा ओ चंदा इन्हीं पर फिल्माया गया था, जिसको लता मंगेशकर ने गाया और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। ये गाना उस दौर में सुपरहिट साबित हुआ था। राधा को बड़ी पहचान मिली साल 1973 में आई फिल्म चालाक से। यहां कौन है जो तेरा है, मेरे दिल संभल अंधेरा।
इस फिल्म से हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने भी अपना डेब्यू किया था। राधा और किरण पर फिल्माया इस फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले। चालाक के इस गाने के गीतकार थे हसरत जयपुरी, जिसे संगीत से सजाया था संगीतकार गणेश ने। ये गाना उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है। आर के बनर्जी और टी एन शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राधा और किरण के साथ अजीत, डैनी, प्राण और जगदीश राज जैसे कलाकारों ने काम किया था। ओह नो, मुझे सारी से सख्त नफरत है, मुझे हर इंडियन लिबास से नफरत है। तुम्हें मोहब्बत किस चीज से है? उस धोखेबाज से जो तुम्हारे 5 लाख पे हाथ साफ कर गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? और इसी साल किरण के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था आज की ताजा खबर। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा। लेकिन ये फिल्म सफल नहीं रही। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसका नुकसान किरण कुमार के साथ राधा को भी हुआ। घबराहट में जो भी मेरे समझ में आया मैंने बोल दिया, लेकिन गीता तुमने मेरे झूठ पर भी विश्वास नहीं किया। राधा की शुरुआती फिल्में तो कुछ खास पहचान नहीं दिला पाईं, लेकिन 1971 में आई फिल्म दोराहा से लोग इनको पहचानने लगे थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का एक गाना उस दौर में खूब पसंद किया गया जो राधा और अनिल धवन पर फिल्माया गया था। दोराहा में इन दोनों पर इंदिवर के लिखे हुए गीत, आशा जी की आवाज में एवं सपन जगमोहन के संगीत को दर्शकों ने खूब पसंद किया। राधा सलूजा की साल 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमान का एक गाना लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था, जिसके बोल थे प्यार कभी कम ना करना सनम। प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर ले। फिल्म एक मुट्ठी आसमान में विजय अरोड़ा और योगिता बाली के साथ राधा सलूजा भी थी, जिनके ऊपर यही गाना फिल्माया गया था। फिल्म के डायरेक्टर थे वीरेंद्र सिन्हा। राधा साउथ के डायरेक्टर एमजी रामचंद्रन के साथ अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती थी। तमिल में बनी एमजी रामचंद्रन की दो फिल्में इधा या कानी 1975 में और इंदु पोल एंड्रम वाजगा 1977 में ब्लॉकबस्टर रही थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म टाइगर 1979 में एनटी रामाराव और रजनीकांत के साथ इसमें अभिनय किया था। 1970 के दशक की शुरुआत की हिंदी फिल्म आज की ताजा खबर और पंजाबी फिल्म मन जीते जगजीत, दुख भंजन तेरा नाम, मन जीते जगजीत भारत में एक सिखों की धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, दारा सिंह और ओम प्रकाश जैसे बड़े बड़े सितारों ने काम किया था। हिंदी फिल्म हार जीत, एक मुट्ठी आसमान और उनकी पंजाबी फिल्म मोरनी इनकी लोकप्रिय फिल्मों में से हैं। इन्होंने एक और पंजाबी फिल्म दुख भंजन तेरा नाम में सुनील दत्त के साथ काम किया था। साल 1973 में शेरनी, 1975 में मोरनी और 1975 में ही आई मित्र प्यारे नू कुलवंत, डेरानी जेठानी आदि पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया। अगर इनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने बहुत सी चर्चित हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें शिमला रोड, दोराहा, लाखों में एक, हार जीत, मानवता, चोरी चोरी, जीवन संग्राम, लाल गुलाबी नैन शराबी, मैला आंचल, रजिया सुल्तान, बनाना ब्रदर्स आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ फिल्में हिट भी रही। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान इनकी चर्चित फिल्मों में से एक थी। राधा सलूजा को हिंदी फिल्मों में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी ये हकदार थी। इन्होंने उस दौर के बड़े से बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। लगभग 17 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद इन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनको फिल्मों में काम ना मिल पाने की वजह से ये अमेरिका के लॉस एंजलिस चली गईं। वहां पर इन्होंने रेडियो कार्यक्रम के मेजबान शमीम जैदी से शादी की और अमेरिका की नागरिक बन गईं।
वहां इन्होंने दो म्यूजिकल ग्रुप के साथ गाने भी गाए जो पूरे अमेरिका में फेमस हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने लॉस एंजल्स कोर्ट में एशियाई भाषाओं के लिए विशेष दुभाषिया के रूप में काम किया। इन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये वहां पर सलवार कमीज पहनकर अपने ऑफिस जाती थी तो इनको देखकर लोग मुस्कुराते थे। इनका भारतीय पहनावा वहां के लोगों को खूब अच्छा लगता था। राधा सलूजा 1981 में विधि विनोद चोपड़ा द्वारा बनाई गई फिल्म सजाए मौत में दिखाई दी। विधि विनोद चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म सजाए मौत को दर्शकों ने खूब सराहा। ये FTII पुणे में चोपड़ा की अपनी डिप्लोमा फिल्म मर्डर एट मंकी हिल की पूरी रीमेक थी। इन्होंने मूल फिल्म में अंजलि पैगंकर की भूमिका निभाई थी। साल 2003 में आई फिल्म बनाना ब्रदर्स इनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। इनकी बड़ी बहन रेणु सलूजा ने भी अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। रेणु की शादी जाने माने फिल्म डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा से हुई थी और बाद में इनसे तलाक हो गया था। इनकी दूसरी शादी फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ हुई। रेणु पत्रकार भी थी और बतौर फिल्म संपादक कार्य कर रही थी। रेणु सलूजा का अगस्त 2000 में निधन हो गया। इनकी सबसे छोटी बहन डॉक्टर कुमकुम खडालिया मुंबई की एक जानी मानी प्लास्टिक सर्जन हैं, जो बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। राधा आजकल क्या कर रही हैं, इस बारे में किसी भी मीडिया में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।